इस देश में जनजातीय आदिवासी और आदिवासी क्षेत्र के बारे में सबसे पहले इंडिया एक्ट 1935 में यह जिक्र किया गया कि ट्राइबल एरिया कौन कौन सा है। देश स्वाधीन हुआ और उस समय ठक्कर बापा के अध्यक्षता में कमेटी बनी और उस कमेटी के माध्यम से सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने संविधान में ऐसे कई प्रावधानों को जोड़ते हुए संविधान में ऐसे जातियों के बारे में चर्चा की और उसका आदेश निर्गत किया। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे समस्याएं हमारे सामने उभरते रही, चर्चा होते रही और कुल मिलाकर इस काफी चर्चा के बाद में एक कमेटी बनी जिसे हम लोकुर कमेटी के रूप में और उनके बताए गए ऐसे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी जातियां जिन जातियों के संबंध में उन जाति या समाज के लोग अपनी बातों को पहुंचाने के लिए समर्थ नहीं है उन लोगों तक पहुंचा जाए और उन लोगों के लिए कार्य किए जाए।